हेलो दोस्तों माय सुपर इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है इसके पहले हमने मैंने वीडियो में आपको बताया था कि वॉल्टर स्कॉट का जो है मैं आपको पार्ट टू बना कर दूंगा जिसमें हम पोइट्री के बारे में बात करेंगे उनकी पोइट्री और उनके कुछ प्लेज भी हैं बट वो उतने पॉपुलर नहीं है पोइट्री भी उतनी पॉपुलर नहीं है बट हमको बिकॉज वी आर वी आर गोइंग फॉर गिविंग एग्जाम दैट्स वाई एटलीस्ट वी विल प्रिपेयर ऑल द थिंग्स पोइट्री और अ प्ले और अ नावल uh, ठीक है तो नाव इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट ऑनली पोइट्री बिकॉज अदरवाइज द वीडियो विल बी वेरी लॉन्ग ठीक है सब्सक्राइब कर लो जो पहली बार आए हैं और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को इससे मेरे को क्या है अप्रिशिएसन मिलता है और तीसरी चीज़ है अगर आप कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है अपने वर्क को थोड़ा सा अप्रीशियेसन मिलता है तो इनकी देखते हैं पहला जो वर्क था पहली चीज़ तो एक चीज़ याद रखिए थिंक अबाउट टारगेट अपने टारगेट लक्ष्य के बारे में सोचो डोंट गिव एक्सक्यूजेस हम लोग एक्सक्यूज देते हैं स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर वाले स्टूडेंट ये देते हैं अरे भैया है, याद नहीं होता है कैसे हम याद करें इतना सारा है ये है वो है तो हमको कुछ नहीं करना है व्हाट इज़ योर टारगेट जस्ट थिंक अबाउट द टारगेट इन योर माइंड टारगेट शुड बी इन योर माइंड एंड सेकेंड चीज सेकेंड सेकेंड थिंग इज डोंट गिव एक्सक्यूज अबाउट द रीडिंग एंड

तो देखो इसमें क्या है थ्रू आउट वॉल्टर स्कॉट्स लिटरेरी कैरियर ही इमिटेट एंड ट्रांसलेटेड वीडियोज फ्रॉम जर्मन सोर्सेज द रिजल्टिंग कलेक्शन वॉज ग्रेजुअली एक्सपेंडेड ओवर सक्सेसिव एडिशंस ऑफ एस्कॉट्स पोइट्री अंटिल इट इंक्लूडेड सेवन आइटम्स ईज बैलेड इज अरेटिव पोएम रिटेलिंग अ पॉपुलर जर्मन फेरी टेल्स इंक्लूडिंग पिगनेंटली ड्रामेटिक एंड ट्रेजिक थीम्स तो इसमें कौन कौन सी थी विलियम एंड एंड द वाइल्ड हंट्समैन द फायर किंग फेडरिक एंड एलिस द बैटल ऑफ सेम्पेक द नोवल मोरिंगर एंड द अर्ल किंग ठीक है तो ये सब जो था ट्रांसलेशन किया था इन्होंने इंग्लिश में ठीक है तो ये सारी पोएम है जो जर्मन से इंग्लिश में आई है बैलेट्स है जो वॉल्टर स्कॉट ने ट्रांसलेट किया फिर देखो ये पोएम है जैन फिंगलस ठीक है तो ये 1800 में आई थी ये है इसका और भी नाम है लॉर्ड रेनॉल्ड्स कोरन्च बाय वॉल्टर स्कॉट और ये कब लिखी थी 1798 में फर्स्ट पब्लिश इन 1800 हंड्रेड वॉज आई स्कॉट रिमेंबर्ड इट हिज़ फर्स्ट ओरिजिनल पोएम एज अपोज टू ट्रांसलेशन फ्रॉम द जर्मन ठीक है तो इसके पहले तो उन्होंने जर्मन में जर्मन का जो है ट्रांसलेट किया बट ये उनकी रियल खुद की पोयम थी फर्स्ट कौन सी नाम अच्छे से देख लो ग्लैन फिल्डस याद रखना चाहिए फिर अ शॉर्ट नैरेटिव ऑफ टू सिक्सटी फोर की थी टू सिक्सटी फोर की इट टेल्स अ सुपर स्टोरी ठीक है सुपर स्टोरी है बेस्ड ऑन अ हाईलैंड लेजेंड फिर दो दाउ हाईली अप्रिशिएटेड बाई मैनी नाइनटीन्थ सेंचुरी रीडर्स एंड क्रिटिक्स इट इज़ नाउ ओवर शेडोन्ट बाई हिज लेटर एंड ठीक है फिर उनका एक और वर्क है द ले ऑफ द लास्ट ठीक है द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल ये क्या है एटीन हंड्रेड फाइव में आए हैं ये भी नैरेटिव पोयम है इन सिक्स कैंटोस विथ कोपियस एंटीक्यूरन एंटी क्यूरियन नोट्स बाय वॉल्टर स्कॉट ठीक है सेट इन द स्कॉटिश बॉर्डर्स इन इन द मिड सिक्सटीन सेंचुरी इट इज संग बाय मिनस्ट्रल लेट इन दिक्कसटीन हंड्रेड ठीक है तो द ले ऑफ द लास्ट मिनस्ट्रल याद रखिएगा थर्ड जो इनका वर्क है मार्मियन मार्मियन जो है ये पोयम है ये भी पोयम है और ये टेल ऑफ फ्लोडन फील्ड इसका जो नाम है इज अ हिस्टोरिकल रोमांस इन वर्स ऑफ सिक्सटीन सेंचुरी ब्रिटेन बाय सर वॉल्टर स्कॉट पब्लिश्ड इन 1808 हंड्रेड कंसिस्टिंग ऑफ सिक्स कैंटोस एज विद इंट्रोड्यूसरी एपिस्टल एंड कोपियस एंटीक्यूरोन नोट्स इट कंक्लूड्स विद द बैटल ऑफ फ्लोडन इन फिफ्टीन ठीक है फिर अगला जो पोयम है उनका लेडी ऑफ द लेक ये बहुत प्रसिद्ध है ठीक है इन पोएम में यही उनकी एक जो है प्रसिद्ध पोएम द लेडी ऑफ द लेक इज़ अ नैरेटिव पोएम और फर्स्ट पब्लिश इन 1810 ठीक है 1810 में आई सेट इन द ट्रोसेट ट्रोसेट रीजन ऑफ स्कॉटलैंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सिक्स कैंटोस ईच ऑफ विच कंसर्स द एक्शन ऑफ द सिंगल डे देयर आर Uh, voluminous anticura notes the poem has three main plots the contest among three men, take okay? Roderick Dew, James Fitz, james and uh, Malcolm Graham, to win the love of the Alan Douglas, the Ford, reconcil uh, reconciliation of King James V and Scotland and James Dungles. Okay? A war between the Lowland Scots led by James V and the Highland clans led by Roderick Dew of Cap.

पेनस्यूलर वॉर एंड प्रोसीड्स ऑफ इट्स सेल वर टू रेज फंड्स फॉर पुर्तगाल नेक्स्ट एंड आई थिंक इट इज लास्ट वर्क नो वन मोर द ब्राइडल ऑफ ट मैन ट्रायर मैन द ब्राइडल ट्रायर मैन इज अरेटिव पोएम इन थ्री कैंटोज थ्री कैंटोज में है वाई वॉल्टर स्कॉट पब्लिश एनोनिमसली इन एटीन थर्टीन ठीक है अज्ञात नाम से पब्लिश हुई थी इट इज रिटर्न इन अ फे मीटर ऑफ फोर एंड थ्री स्टेंजाज लाइन सेट इन कम्बरलेंड इट रिकाउंट्स द एक्सप्लाइट्स ऑफ द नाइट एज ही सीक्स टू रेस्क्यू अ ब्यूटिफुल मेडन्स जेनिथ द इलेगीटिमेट डॉटर ऑफ किंग ऑर्थर डोम्ड बाय मर्लिन फाइव हंड्रेड ईयर्स प्रीवियसली टू एन एनचेंटेड स्लीप इनसाइड अ मैजिक कैसल ठीक है टू द ब्राइडल ऑफ ट्रायर मैन फिर है रॉक बॉय रॉक रॉकबी ठीक है रॉकबी एटीन थर्टीन में आई है ये भी नरेटिव पोयम है इन सिक्स कैंटोज विथ वॉल वौ, वॉल्यूमिनस एंटीक्यूरा नोट्स बाय विलियम वॉल्टर स्कॉट इट इज सेट इन टीज डिल ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वॉर तो टीज डिल में सेट है ये और इंग्लिश सिविल वॉर की के समय की बात कही गई है द फील्ड ऑफ वॉटर लू the field of waterloo is a poem by walter scott written and published in 1815 it is in iambic tetrameter or trimeters with a few spenserian stanzas at the end the work moves from, the, from a depiction of the site of the battle with farm life renewing in the autumn to an account of the conflict highlighting napoleon and wellington and roll call of prominent british कैजुअलिटीज़ ठीक है द फील्ड ऑफ वॉटर लू फिर है द लॉर्ड ऑफ द आइसल्स ये जो है नैरेटिव पोएम है सिक्स कैंटोज विथ सब्सटेंशियल नोट्स सेट इन थर्टीन हंड्रेड सेवन एंड थर्टीन हंड्रेड फोर्टीन स्कॉटलैंड इट कवर्स द स्टोरी ऑफ रॉबर्ट द ब्रूस फ्राम हिज रिटर्न फ्राम एक्साइल इन आयरलैंड टू द सक्सेसफुल कल्बिनेशन ऑफ हिज स्ट्रगल टू सेक्योर स्कॉटिश इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंग्लिश कंट्रोल एट द बैटल ऑफ द बेनोगबर्न Interwoven with with this account is a romantic fiction centering on one of the Bruce's prominent supporters, Reynolds, Lord of the Isles, involving his love for the Bruce's sis sister Isabel, who eventually takes the veil and the transfer of his affections to Edith of lawn to whom he had been betrothed at the beginning of the poem and whom he marries at the end. To, दिस इज ऑल्सो वर्क द लॉर्ड ऑफ द आइसल्स फिर हेरोल्ड द डोंटलेस हेरोल्ड द डोंटलैस इज़ अ नेरेटिव पोएम ये भी नेरेटिव है इज सिक्स शॉर्ट कैंटोज बाई वॉल्टर स्कॉट एटीन सेवनटीन में पब्लिश हुई इट इम्प्लॉयज अ वेराइटी ऑफ मीटर्स अलग अलग मीटर्स में हैं सेट इन द डहम एरिया द पोएट पोएम टेल्स ऑफ द हेरोल्ड्स रिजेक्शन ऑफ हिस्स फादर विटी काइंड एक्सेप्टेंस ऑफ क्रिश्चनिटी इन रिटर्न ऑफ चर्च लैंड्स ऑफ हिज डिसइनहेरिटेंस बाय द चर्च ऑन हिज फादर्स डैथ एंड द लॉस ऑफ हिज इंटेंडेड ब्राइड ऑफ हिज रेस्क्यू बाई हिज फादर्स स्प्रिट फ्रॉम पैगन पावर्स इन एन एनचेंटेड कैसल एंड ऑफ हिज कन्वर्सन एंड मैरिज टू अ डैनिश मैडम हू हैड लॉन्ग फॉलोड हिम डिजगजड एज अ पेज ठीक है हेरोल्ड द डोंटलेस तो ये सारे उनके इम्पॉर्टेंट पोइट्री है तो आप इनको भी पूरा ध्यान से एक बार देख लीजिएगा पढ़ लीजिएगा तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए कमेंट लिखना बिल्कुल मत भूलना लाइक कर लीजिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू